हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा, मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस बार रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे दोनों साथ में ही है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ स्पेशल रेसिपी बना दी जाए। तो हम बूंदी के लड्डू बनाएंगे, बट इसमें एक ट्विस्ट है, उसके लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। और आप यकीन मानिए, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी बने हैं लड्डू। और आपको इसकी सामग्री देखनी है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। एंड चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसन लेंगे, 2 कप जितना मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, और उसमें 3 चम्मच जितना मैं रवा डालूँगी। और ये हमने कलर लिया है 1/4 टीस्पून जितना ऑरेंज कलर लिया है मैंने, ये केसर कलर है, एडिबल फूड कलर है ये। और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी हमने पूरा टोटल 1.5 कप जितना यूज़ किया है, बट हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे। आपको पता है, कभी भी हम पेस्ट बनाते हैं या कोई भी बैटर बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है। अच्छा, क्यों? तो इससे इसमें गांठ नहीं पड़ती है अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं तो, और एक साथ आप डालोगे तो उसको फिर गांठें निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और पता नहीं आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हो या नहीं देखते हो, इसलिए मैं अभी से बोल देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि और भी रेसिपीज़ है जो आपका इंतज़ार कर रही है। सो ये देखिए, अब बैटर बहुत ही पतला भी नहीं करना है हमें, और एकदम थिक भी नहीं रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे ताकि दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, रवा और बेसन। और यहाँ पर मैंने घी लिया है, मैं घी में इसको फ्राई करूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है हमें। और ये स्पैटुला, ये स्ट्रेनर हमने लिया है, मैं इसी से बूंदी निकालने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छी बूंदी निकल रही है इससे। एक तो घी हमें गरम रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम स्ट्रेनर के ऊपर बैटर रखेंगे, बैटर डालेंगे और इसको हल्के से टैप करते रहेंगे। बूंदी का एक एक दाना अलग हो जाएगा अगर घी गरम है, अगर नहीं है तो वो चिपक जाता है। और अगर बैटर पतला होगा तो ये बूंदी नीचे जाके एकदम चपटी हो जाएगी, इसलिए हमें बैटर को एकदम पतला भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और देखिए कितनी अच्छी सुंदर सी बूंदियाँ निकली है, और हमें 30 सेकंड्स के अंदर ये पूरी बूंदी निकाल देनी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मस्त वाली बूंदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है ये बूंदियाँ। और अब हम इसको चाशनी में डालेंगे, तो उसके लिए हमने एक पैन लिया है जिसमें 1.5 कप जितनी मैं शक्कर डाल रही हूँ, और उसमें पानी डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप जितना, और इसको एकदम अच्छे से गर्म करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, या फिर 2-3 इलायची कूट कर डाल सकते हो आप। और 1/4 टीस्पून जितना एडिबल कलर ऑरेंज कलर लिया है मैंने, और ये ट्विस्ट है, इसमें मैंने गुलकंद डाला है 1 टेबल स्पून जितना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और अब इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसको उबालना है। बॉईल आने के बाद इसको 15 से 20 मिनट आप इसको टोटल उबाल सकते हो, जब तक कि एक तार वाली चाशनी नहीं बन जाती है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक तार वाली चाशनी बननी चाहिए। और जैसे ही आपका ये सिरप तैयार हो जाता है, आप उसमें बूंदी ऐड कर सकते हो, धीरे धीरे सारी बूंदी उसमें मिक्स कर लीजिए, एकदम अच्छे से मिक्स करनी है। और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मैंने इसमें काजू डाले हैं और मेलन सीड्स डाले हैं, और एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको 3 या 4 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे गरम करना है, फिर इसको 10-15 मिनट के लिए, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, आप इसको साइड में रख सकते हो ठंडा होने के लिए। जैसे ही हमारी बूंदी ठंडी हो जाती है, हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पसंद के लड्डू बना सकते हो, अपने पसंद के साइज़ के लड्डू बना सकते हो, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। सो आई नो आपको मेरी रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी, और ये गुलकंद वाले, ट्विस्ट वाले आप लड्डू ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स पर डालिए कि कैसे बने हैं। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड एन्जॉय दिस रेसिपी, एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू, बाय।